तापमान 45 डिग्री। बॉर्डर पर चिलचिलाती गर्मी। शरीर जला देने वाली धूप। बावजूद इसके सीमा पर मुस्तैद है भारतीय प्रहरी। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, सीमा पर बीएसएफ के जवान हर मुश्किल हालातों से हमेशा निपटने को तैयार रहते हैं। जहां देश में लोग थोड़ी गर्मी लगते ही एसी और पंखे ढूंढने लगते हैं, वहीं सीमा पर तैनात हमारे जवान 45 से 50 डिग्री के बीच बिना रुके बिना थके उसी चौकसी से सीमा पर निगरानी कर रहे हैं। यह तस्वीरें जम्मू बॉर्डर की हैं, जहां गर्मी के बावजूद बीएसएफ के जवान अपने ट्रेनिंग और मानसिक क्षमता के चलते बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रहे हैं। दिन में शरीर जला देने वाली गर्मी यहां पड़ती है, साथ में रखा पानी भी आधा गर्म हो जाता है, लेकिन विपरीत हालातों में भी हमारे जवान रुकते नहीं। सर, देश की रक्षा करने के लिए हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, चाहे कोई भी मौसम हो, हम तो हर मौसम में यहाँ पे तैनात रहते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हम माउंट के अंदर से रह के अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। इससे सर्दी और गर्मी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सर मौसम के हिसाब से तो परेशानी आती रहती है, उसका तो सामना हमको करना पड़ता है, क्योंकि सर देश की रक्षा करनी है जिसके लिए हमें तैनात किया गया है, तो सर ड्यूटी तो हमें कोई भी मौसम में अपनी करनी पड़ती है। बॉर्डर के दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो आतंकियों की सप्लाई में कभी कमी नहीं छोड़ता। यही कारण है कि जवानों को यहां 2400 घंटे मुस्तैद रहना पड़ता है। हालांकि गर्मी को देखते हुए जवान कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं, जिससे गर्मी के असर को कम करने में उन्हें मदद मिलती है। नमक और प्याज का नुस्खा वैसे तो पुराना है, लेकिन कुछ जवान इसे आज भी आजमाते हैं। कुछ जवान गुड़ और चना अपने पास रखते हैं। गर्मी से बचने के लिए वो सिर पर मोटे कपड़े का पटका बांधे रखते हैं, ताकि चेहरा और सिर दोनों लू से बच सके। आप यह जानकर हैरान होंगे कि कई बार एक जवान को 17 घंटे तक भी गश्त पर रहना पड़ता है। गश्त के दौरान पानी की बोतल साथ होती है। धूल भरी गर्म हवाओं से आंखों का बचाव करने के लिए जवानों को चश्मा उपलब्ध कराया जाता है। गर्मी तो है सर काफ़ी ज़्यादा, बट हम देश की सुरक्षा का मोटिवेशन के लिए हम काफ़ी 24/7 इस बॉर्डर का बॉर्डर में तैनात रहते हैं, और भी हमारा सारे जवान हैं सारे जो इस बॉर्डर में अंदर निगरानी रखे हुए हैं जो काउंटर पार्ट की तरफ। और इसके अलावा हम गर्मी के लिए चलते प्रिकॉशन लिए कि हम लिक्विड फ्रूट्स ज़्यादा सेवन करते हैं, उसके बाद जैसे पानी ठंडा और हमारे पास कूलर है, उसके बाद ग्लूकोन डी वगैरह हम ज़्यादा सेवन करते हैं ताकि हम गर्मी से बचे। सर अभी हमारी यात्रा तो शुरू हो गया, तो उसी के चलते हमारा पेट्रोलिंग का अभी ज़्यादा पेट्रोलिंग शुरू होने लग गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस यात्रा पे, क्योंकि इस यात्रा पे कोई दिक्कत कराने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हमको पेट्रोलिंग का भेजा गया है। इसी के चलते हम गर्मी पे भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश के हर इंसान को देश के इन प्रहरियों पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जिन हालातों में एक पल भी टिकना मुश्किल है, उन मुश्किल हालातों में ना सिर्फ ये रहते हैं बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़।